तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है हमारे पास सुजुकी की जिक्सर SF150 BS6 मॉडल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बाइक के एडवांटेज के बारे में, इसके कुछ अच्छाइयों के बारे में कि किस वजह से आप लोग को इस बाइक को लेना चाहिए और कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि इस बाइक को खास बनाती है, और साथ ही साथ इसके प्राइस की बात करेंगे कि 2021 में सुजुकी जिक्सर SF BS6 मॉडल कंप्लीट आपको कितने में देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपको सुजुकी जिक्सर SF150 BS6 मॉडल के किसी भी कलर वेरिएंट का वीडियो देखना है या फिर फुल रिव्यू वीडियो देखना है तो वो मैंने पहले बना रखा है। इसके जितने कलर वेरिएंट आते हैं ना, उसके अलग अलग करके मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में बता रखा है कि BS6 अपडेट के बाद इसमें आपको क्या कहना है, चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसका माइलेज क्या है, इसके फीचर्स क्या है, सब कुछ उस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, सबसे पहले अच्छाई की बात करते हैं। तो वो है इसका इंजन, जो कि काफी स्पोर्टी साउंड करता है, और अगर आप इसे हाई रेफ करेंगे तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। और इसके इंजन के हिसाब से एक परफॉर्मेंस पैकेज में इस प्राइस रेंज में मुझे ये बाइक काफी अच्छी लगी। तो अगर आप इंजन अच्छा चाहते हैं, रिफाइन इंजन चाहते हैं, और आपको जैपनीज टेक्नोलॉजी के साथ काफी अच्छा इंजन स्मूथनेस चाहिए तो आप लोग सुजुकी जिक्सर SF150 BS6 मॉडल ले सकते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको जैपनीज टेक्नोलॉजी की बाइक पसंद है या फिर नहीं है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके दूसरे एडवांटेज की, अगले अच्छे चीज की, तो वो है इसका राइडिंग स्टाइल, यानी कि राइडिंग पोस्चर आपको सुजुकी जिक्सर SF150 में आपको स्पोर्टी तो मिलता है लेकिन आपको एग्रेसिव देखने को नहीं मिलेगा। स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर आपको लगता ऐसा है कि जैसे कि आप स्पोर्ट बाइक चला रहे हैं। इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है जो कि आपको स्पोर्टी फील देगा, लेकिन इसमें आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि जो इसका क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया ना, उसका जो हाइट है ना वो काफी ज्यादा दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग को ज्यादा इस बाइक को झुक के चलाना नहीं पड़ेगा। और झुक के बाइक को न चलाने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका जो शोल्डर होता है ना, उसमें अगर आप ज्यादा झुक के बाइक को चलाते हैं तो आपका जो शोल्डर होता है वो दर्द होने लगता है, तो इसमें आपको वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइडिंग स्टाइल है ना, जो राइडिंग पोस्चर है ना, वो तो मुझे काफी अच्छा लगता है। आपको इसका राइडिंग स्टाइल कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके अगले अच्छे चीज के, अगले अच्छे एडवांटेज की, तो वो है इसका हैंडलिंग। और हैंडलिंग SF150 और जिक्सर नेकेट दोनों की हमेशा से बेहतरीन मिलती रही है, और इसका जो हैंडलिंग है ना वो काफी बेहतरीन मिलने वाली है। तो अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं या फिर टर्न्स लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो हैंडलिंग के मामले में ये बाइक काफी बेहतरीन साबित होती है, क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है ना काफी बेहतरीन है, काफी कंफर्टेबल है। तो आप इस बाइक से ट्रैफिक एरिया में भी आराम से राइड कर सकते हैं, जो कि इस बाइक का प्लस पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके अगले एडवांटेज की तरफ। तो ये एक फीचर्स लोडेड बाइक है। अगर आप इसका मीटर कंसोल देखेंगे ना, तो आपको उसमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाते हैं, और जो बेसिक फीचर्स आपको इस बाइक में मिलने चाहिए, इस सेगमेंट में मिलने चाहिए, वो सब कुछ आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। तो आपको इसका मीटर कंसोल कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके अगले एडवांटेज की, तो वो है इसका लुक, जो कि काफी अच्छी लगती है मुझे। आपको इसका लुक कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो लुक है ना वो आपको स्पोर्टी लुक मिल जाता है। इसमें आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स के साथ सुजुकी जिक्सर SF लिखा हुआ मिल जाता है, और इसका जो लुक मिलता है ना काफी मस्कुलर लुक मिल जाता है, जो कि इस बाइक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो आपको इसका लुक कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि स्पोर्टी लुक के साथ है और इसका माइलेज भी अच्छा हो, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो माइलेज है ना वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। और अगर हम इसके माइलेज की बात कर ही रहे हैं तो हम आपको इसका माइलेज बता देते हैं। तो इसमें आपको FI सिस्टम मिल जाता है, BS6 इंजन मिलता है, इसकी वजह से इसका जो माइलेज मिलेगा ना, आप लोग मान के चलिए ये बाइक आपको आराम से 40 से 45 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देगी। और अगर आप इस बाइक को नॉर्मल स्पीड में राइड करते हैं तो ये आपको 45 प्लस का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देगी, जो कि काफी अच्छा माइलेज है। और आप में से किसी के पास भी सुजुकी जिक्सर SF150 BS6 मॉडल हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये बाइक आपको माइलेज कितना दे रही है, आपको अप्रॉक्स माइलेज कितना मिल जाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के कुछ अच्छी चीजें, कुछ एडवांटेज जो कि इस बाइक को
खास बनाती हैं। जो कुछ चीजें मुझे सुजुकी जिक्सर SF150 BS6 मॉडल में बेस्ट लगी वो मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा भी कोई अच्छी चीज आप लोग को लगती है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम इस बाइक के कुछ कमियां बताएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी बाइक पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। अगर किसी बाइक में कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो थोड़ी बहुत कुछ कमियां भी होती हैं। तो इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इस बाइक के कुछ कमियां भी बताएंगे, जिसको देख के आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि ये बाइक जो है ना सुजुकी जिक्सर SF150 BS6 मॉडल आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो 2021 में जो इसका एक्सोरूम प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,25,404 रुपए एक्सोरूम UP वाराणसी की प्राइस। और कंप्लीट सुजुकी जिक्सर SF150 BS6 मॉडल आपको लगभग आप लोग मान के चलिए 1,46,000 से 1,48,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इसका एग्जैक्ट ऑनर प्राइस जानना है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा। वहां चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी पे कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑनर प्राइस जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के कुछ एडवांटेज जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। ओवरऑल ये जो बाइक है ना काफी अच्छी है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये बाइक अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपको स्क्रीन पे हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट का यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।